हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे सब दोस्तों, आई होप सब ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि इंडियन आइडल सीजन 14 में दो ऐसे कॉन्टेस्टेंट हैं जिनकी आवाज के चर्चे दोस्तों हर जगह जगह पे है। जहां पे भी देखो दोस्तों, मेनका पॉडर और ओवम दोस्तों, ये दोनों ऐसे कॉन्टेस्टेंट हैं इनकी आवाज के दीवाने जो वो लाखों लोग बन चुके हैं। इनकी आवाज का दोस्तों जादू इस तरह से छाया हुआ, इस तरह से जलवा छाया हुआ दोस्तों की जो कोई इनकी आवाज को सुनता है वो हर कोई इनकी आवाज का दीवाना बन के रह जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मेनका पॉडर तो किसी से कम है नहीं। मेनका पॉडर ना ओबम से हारने वाले हैं ना किसी और कंटेस्टेंट से। तो दोस्तों वहीं पे आप सबको ये भी पता होगा कि इस बार इंडियन आइडल सीजन 14 में आने वाले हैं सलमान खान, और सलमान खान के सामने देने वाली मेन को एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और धांसू परफॉर्मेंस। जैसे कि आप सबको ये भी पता है कि आज तक इंडियन आइडल सीजन 14 में जितने भी गेस्ट आए दोस्तों, हर कोई निराश होकर नहीं गया। मेन को पॉडर की आवाज को सुनकर दोस्तों इंडियन आइडल सीजन 14 से जितने भी गेस्ट गए वो हर कोई मेन को पॉडर की आवाज को सुनकर दोस्तों उसकी आवाज को अपने माइंड में बिठाकर दोस्तों इंप्रेस होकर जो मेनका पॉडर से गए। तो दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है कि मेनका पॉडर की चर्चे जो हैं वो हर जगह जगह पे छाए हुए हैं। मेनका पॉडर किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि सलमान खान के सामने मेनका पॉडर अपनी कौन सी परफॉर्मेंस देती है। सैड परफॉर्मेंस देती है, रोमांटिक परफॉर्मेंस, या फिर कोई वर्जन गाती है। तो दोस्तों अगर आप सब भी यही देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और प्लीज इतना जरूर बताने कि इंडियन आइडल सीजन 14 का आने वाला विनर कौन होगा, मेनका पॉडर या ओबम या फिर दोस्तों कोई और, जो भी हो आपकी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, घंटी नहीं दबाई तो दबा दीजिएगा ताकि आप तक मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। सो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।